जिथे आवारा पशुओं की गिनती विच वाधा हो रहा है उत्थे ही ना आवारा पशुओं कारण कई जानी नुकसान भी हुए हैं। यह मामला धर्मकोट का है जिथे अजकल आवारा पशुओं तो लोग बहुत ही परेशान हैं। लोगों ने दसिया कि यह एक रिहायशी इलाका है जिथे सेवा के नाम से दो चार गावां रखियां गईयां सी पर हुण प्रबंधकां वल्लों गौशाला ही बना दित्ती गई है जिस कारण जदों कोई गौ मर जांदी है तो उसकी बदबू बहुत ज्यादा आउंदी है। कई बार गावां घर विच ही आ जांदियां हन अते प्रशासन वल्लों कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। उन्हां दी मंग है कि जल्द तो जल्द इस भारी मुसीबत तो उन्हां नूं निजात दवाया जावे। स्कूल जा रहे सी स्कूटी ते ट्राली ते गौआं आ रहियां सीगियां कावी ना उन्हां ने अगे देखिया ना पिछे ते सीधा इन्हां ने उहदे उत्ते मारी स्कूटी ते विच गौ ते कोई किसी ने एक्शन नहीं लिता। बहुत असीं रोए पिटे करलाए सब कुछ किया किसी प्रशासन ने किसी मैंबर ने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिता। इस बारे सानूं जवाब दिता जावे भी किवें इह होगा मसला हल। की मंग करदे तुसीं? हांजी की मंग करदे तुसीं? मंग यही करते हैं भी गौशाला इतों हटाई जाए। कितना चिर हो गया गौशाला में? इतने दो तीन साल हो गए हैं गौशाला तो उदों की परेशानी चलती आ रही है तो कोई साड़ी सुनवाई नहीं। घर के अंदर गौं सीधिया आ जाए जो असी फोन करते हैं तो कोई आने तैयार नहीं इतने कोई साड़ी सुनवाई नहीं हैगी। छोटे छोटे बच्चों वाले घर हैं तो सानू दसन ये सारे प्रशासन वाले तो जोड़े सेवादार हैं जोड़े होर इन लिंक के बंदे हैं भी असी किधर जाइए। समस्या चलती पी है जी साढ़े एक रेजिडेंशियल एरिया हैगा करीब 20-25 साल तो साढ़े घर इतने बने हुए हैं तो कुछ शहर के सेवादार ने इतने सेवा के नाते थोड़ा जा एक जगह अक्वायर की सी भी असी दो चार गौं बन के इतने सेवा कराया करेंगे। सारे धर्मार्थ किसी ने भी उस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं की किसी को ना कोई प्रॉब्लम सी सेवा तो ना ही सानू हुण कि किसी नाल परसनल किसी तरह का डिस्प्यूट है ना ही किसी तरह का कोई परसनल किसी के नाल वैर भाव है ना ही असी किसी की सेवा के खिलाफ हैं। लेकिन सेवा नूं उत्थे रख्या जावे जिथे किसी होर इंसान नूं तकलीफ ना आवे। इन्हां ने दो चार पशुओं के नाँ के उत्ते इत्थे पूरी गऊशाला बसाती। गऊशाला का हुण गऊशाला भी यह है भी अमरनाथ नोरिया जी के नाँ के उत्ते गऊशाला का नाँ रख के रजिस्टर करा के पूरा उन्होंने पक्के तौर के उत्ते बना दिता गया जो कि साढ़े वास्ते समस्या का एक बहुत वड्डा कारण बनया होया वा। बीमार गऊं ने आ साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने गली दे विच बीमार गऊं नूं तां संभाल रहे ने लेकिन छोटे छोटे बच्चों उल्टा बीमार करी जा रहे हैं। पिछले तीन दिनों तो कोई गऊ इत्थे मर गई होएगी तो वह लिया के उन्होंने इत्थे गऊ ने उहदे बच्चे नूं साढ़े घर के पिछले पासे सुट दिता गया तो उहदे बहुत ज़्यादा स्मैल आ रही है बहुत ज़्यादा मक्खियां तो मच्छरों का प्रभाव पै रहा। बीमारी आपां नूं सारयां नूं पता भी बहुत ज़्यादा पहलां ही फैली हुई है तो कितों कितों बंदा बचा करेगा तो किवें किवें होएगा तो साडी सारे प्रशासन नूं ते गौशाला दे मैंबरां नूं सेवादारां नूं ते सारे होर जिहड़े कंसर्नड जिन्ने भी हैगे आ सारे अगे गुजारिश है भी इस गौशाला नूं इत्थों शिफ्ट करके कितें होर लिजाया जाए तो या साडे समस्या जिहड़ी हैगी इहनूं गंभीरता नाल लिया जाए। बहुत वड्डी समस्या है तो NRI वीरां अगे भी सारे जिहड़े फंड दे रहे ने उहनां अगे भी गुजारिश है भी आपदी दान की दिशा नूं वेखो भी वाकई दान अपना सही लगता पिया या नहीं लगता पिया जी इहदे नाल किसी नूं कोई तकलीफ आ रही है या वाकई कोई फायदा हो रहा। प्राइम मुद्दे लई मोगा तो जोगिंदर सिंह गिल दी रिपोर्ट।